اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. हज़रत अमीर उलमोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्ल अज़ीज़ ने गुज़श्ता सालों में एक खुतबा जुमा रमज़ान के महीने में बयान करते हुए ये फ़िक्रा इरशाद फरमाया था कि रमज़ान का ये बबरकत महीना नेकियों के बीज बोने का महीना है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही पुरमारफ बात है जिसमें रमज़ान की बेशुमार बरकतों की तरफ इशारा किया गया है कि रमज़ान का महीना बाहमी मोहब्बत और प्यार बढ़ाने का महीना, भाईचारे की राहों को इस्तवार करने का महीना, हमदर्दी के इजहार का महीना और ऐसा महीना है जिसमें इंसानी मुआशरे की मिसाल, जिसको कहा जाता है हदीस में यशुद्दु बाज़ुहु बाज़न, के एक चीज़ का हिस्सा दूसरे हिस्से से मिल जाता है, इस तरह बयान किया जो एक मोमिन दूसरे के लिए मजबूती और तवानाई का मुझे बनता है। बहुत सारे पहलू हैं इनमें से कि किस तरह ये महीना बाहम मोमिनों के दरमियान करीबी ताल्लुकात को इस्तवार करता है। इसका एक पहलू यह है कि बीमार भाइयों की इयादत और तीमारदारी से उसका ताल्लुक़ है। माशरे में लोग होते हैं, कोई बीमार हो जाता है तो फिर अजीज़ रिश्तेदार दोस्त अहबाब वाकिफ़ ना वाकिफ बहुत सारे लोग जाते हैं उनकी तीमारदारी के लिए। ये भी एक बहुत बड़ी नेकी का मौका है और इसको हमेशा बड़े अहतमाम के साथ याद रखना चाहिए। चंद हदीस इस सिलसिले में पेश करता हूँ। अन बिरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काला अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइयादतिल मरीज़ के हज़रत बिरा बिन आज़िब बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मरीज़ की इयादत का हुक्म दिया। कोई सिर्फ मामूली बात नहीं, इसको हुक्म का समझना चाहिए कि जब भी माहौल में अपने माहौल में को अपना अजीज़ को दूसरा वाकिफ दोस्त छोटा बड़ा अगर बीमार हो उसका इलम हो तो उसकी इयादत करनी चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में छः बातों की ताकीद फरमाई जिनमें से एक मरीज़ की इयादत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन आदा मरीज़न औज़ारा अखन लहू फिल्लाह नादा हो मुनादिन बयान तिब्ता व ताबा ममसक ममशा का व तबवत मिनल जन्नत मंजलन। इस हदीस का तर्जमा इस तरह पर है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जिस शख्स ने किसी मरीज़ की इयादत की और या अपने भाई को जाकर मिला जिसकी तबीयत ठीक नहीं, फिल्ला है अल्लाह ताला की रज़ा की हासिल करने की खातिर, यानी ये मकसद हो, कोई दुनवी तमा या लालच ना हो, तो नादा हो मुनादिन तो उस शख्स को एक मुनादी करने वाला उसके लिए ऐलान करेगा, बयान तिबता कि तू खुश रहे, वताबा ममशा का और तेरा चलना मुबारक हो। बाज़ वक़्त इंसान को पैदल जाना पड़ता है तो पैदल जाने में ज़्यादा हिम्मत करनी पड़ती है तो एक एक कदम पर उसको सवाब मिलता है। व तबवत मिनल जन्नत मंजिलन और तेरा ठिकाना जन्नत में हो। तो देखें एक इयादत करने के कितने पहलू हैं और जिनके हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शख्स जो इयादत के लिए जाता है तो इस किस्म के सवाब उसे मिलते हैं। फिर एक और लंबी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान की है जिसका तर्जुमा इस तरह पर है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा कि ऐ इब्ने आदम, मैं बीमार हुआ, तूने मेरी ये आदत न की। उस पर वो जवाब देगा कि ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल आलमीन, तू कैसे बीमार हो सकता है और मैं तेरी ये आदत किस तरह करता। अल्लाह ताला फरमाएगा कि क्या तुझे मालूम ना हुआ था
कि मेरा फलां बंदा बीमार है और तू उसकी आदत को नहीं गया, क्या तुझे ये समझ ना आई कि अगर तू उसकी आदत करता तो मुझे उसके पास पाता और उसकी आदत गोया मेरी ये आदत हो जाती। ये बड़े गहरे मज़मून की हदीस है जिसमें पता लगता है कि आदत का कितना सवाब है। आदत की ये सूरत है कि गोया अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम आदत करने के लिए किसी मरीज़ के पास जाते हो, तुम्हारा रिश्तेदार हो या दू कोई और हो जिसकी की भी आदत के लिए तुम जाते हो, तो ये फेल ऐसा अल्लाह ताला के नज़दीक मकबूल है और बायस सवाब है कि गोया उस बंदे ने अल्लाह ताला की ज़्यादा आदत कर ली। अल्लाह ताला की आदत तो कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि गोया अल्लाह ताला की मुलाकात कर ली, अल्लाह ताला से मिलने का सवाब उसको इस आदत के ज़रिए से मिल गया। हज़रत उम्मे अला रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि मैं बीमार थी एक मौके पर और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ये आदत के लिए मेरे हाथ तशरीफ़ लाए और मेरी तसल्ली के लिए फरमाया कि ऐ उम्मे अला, बीमारी का एक पहलू तो खुशकुन भी है, क्योंकि अल्लाह ताला उस मर्ज़ की वजह से एक मुसलमान की खताएं इस तरह दूर कर देता है जिस तरह आग सोने और चांदी का मैल कुचैल दूर कर देती है। तो ये देखें, इसमें एक हिकमत की बात यह है, अलावा इस बात के कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस खातून की इयादत के लिए गए, आपने नसीहत की बात यह की कि बाज़ वक़्त इंसान मरीज़ अपनी बीमारी की वजह से घबरा जाता है, परेशान हो जाता है कि मैं किस मुश्किल में पड़ गया हूँ, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में ये नवीद सुनाई कि जब इंसान बीमार होता है तो इस बीमारी की वजह से उसकी खताएं दूर कर दी जाती हैं, तो गोया उस अजर अल्लाह ताला उसको इस बात का अजर देता है कि उसने उस बीमारी की तकलीफ़ में से गुज़रा है, तो इस बर्दाश्त के नतीजे में अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ कर देता है। और ये उसी तरह मिसाल दी है जैसे अगर सोने और चांदी को अगर आग में डाला जाए तो वो पाक साफ होकर निकलता है, इसी तरह एक बीमार भी बीमारी से सेहतियाब होकर निकलता है। तो इससे पता लगा कि जब इंसान किसी की आदत को जाए तो बाज़ उमूर का ख्याल रखना चाहिए। एक तो ये कि आदत के लिए ऐसे वक्त में जाना चाहिए जब मरीज़ इजाज़त दे या मरीज़ के लवाहिकीन इजाज़त दें कि कोई और शख्स उनकी आदत के लिए आ सकता है, और फिर मरीज़ की आदत करते हुए हमेशा मरीज़ को हौसला देना चाहिए, मरीज़ के लिए दुआ करनी चाहिए। ये है असल मकसद आदत का। और अगर परेशानी और घबराहट की सूरत हो तो उसमें तसल्ली दें कि अल्लाह ताला फ़ज़ल करने वाला है, शाफ़ी मुतलक अल्लाह ताला है। तो इस किस्म की बातें करनी चाहिए और गैर ज़रूरी बातों से इज्तनाब करना चाहिए। और बाज़ वक़्त देखा जाता है कि लोग अस्पताल में या घरों में जाके जब इयादत के लिए जाते हैं तो एक दो लफ्ज़ तो इयादत के हो गए, उसके बाद फिर दुनिया जहान की बातें शुरू हो जाती हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, मरीज़ की हालत तकलीफ़ वाली होती है लेकिन वो अपनी दास्तान शुरू रखता है। तो लंबी बातें करना भी दुरुस्त नहीं, और मुख्तसर बात करनी चाहिए, टू दी पॉइंट बात हो, मरीज़ के लिए नसीहत के जो बातें करनी हैं वो करनी चाहिए, और मुलाकात के वक्त को भी मुख्तसर करना चाहिए ताकि मरीज़ के लिए ये बात बायस से तकलीफ़ ना हो। बस अवकात ऐसा होता है कि दो आदमी इयादत के लिए हैं और बाकी बाहर इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जाए तो फिर हम अंदर इयादत के लिए जाएँ, तो उनको भी मौका मिलता है। तो बहर सूरत इयादत इस हदीस में बयान हुआ है और इस हदीस से इन अहादीस से हमें यह पता लगता है कि आदत एक बहुत नेकी का काम है, और जब कोई भी भाई, कोई अजीज़, कोई रिश्तेदार बीमार हो जाए तो उसकी आदत के लिए जाना चाहिए, लेकिन आदत उसी तरीक पर हो जिसकी मिसालें इस हदीस में दी गई हैं कि आदत का वक्त मुख्तसर हो, मरीज़ को हौसला दिया जाए, उसके लिए दुआ की जाए और कोई ऐसी सूरत पैदा न की जाए जिसकी वजह से मरीज़ के दिल में परेशानी ज़्यादा हो जाए। तो ये आदत का तरीका है और इसी जरिए से इंसान को इस नेकी की तौफीक मिलती है।
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سب باتوں کو ہمیشہ مد نظر رکھیں، اور جن برکات کا ان حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے وہ ہم سب کو نصیب ہوں. آمین.